सारे गामा कारवा, कमाल की चीज। इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि, आपके साथ तहे दिल से आपको एक बार फिर से वेलकम करती हूं मैं मेरे शो पर, जहां हमेशा की तरह आज भी मैं कुछ खास लेकर आई हूं आपके लिए। आज हम उस सेलिब्रिटी के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने ऑफ बीट कैरेक्टर्स में जान डाल दी, जिन्होंने छोटे मोटे रोल्स करने से कभी भी एतराज़ नहीं किया, जो अपने शोले, त्रिशूल, शिखर, पति पत्नी और वो जैसी फिल्मों में अपने आइकॉनिक रोल्स के लिए जाने जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ हिंदी सिनेमा के ठाकुर, हमारे प्यारे संजीव कुमार जी की। एक छोटा सा डेब्यू रोल था इनका हम हिंदुस्तानी में, संजीव कुमार जी इसी के साथ में बॉलीवुड में आए थे, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्टर्स में से एक बन गए। वैसे क्या आपको पता है इनका असली नाम संजीव कुमार था ही नहीं, और ज़्यादा बार इस बारे में बात हुई नहीं है कि इनका असली नाम क्या था। मैं बताऊंगी ना आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले आइए शो की शुरुआत करते हैं उन्हीं की एक फिल्म के गाने के साथ में, जिस पर कंट्रोवर्सी काफ़ी थी। इनफैक्ट कुछ समय के लिए इसे बैन भी कर दिया गया था। आंधी फिल्म से लता मंगेशकर जी और किशोर कुमार जी की आवाज़ में गाना। मैं रुचि आपके साथ वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी शिकवा नहीं, शिकवा नहीं।
शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। सारे गामा कारवा कमाल की चीज। इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी। तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया, जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी तड़प के आहें भर भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी। से नाता नारी से रिश्ता काहे मन समझ न पाया, आग से नाता नारी से रिश्ता काहे मन समझ न पाया, मुझे क्या हुआ था एक बेवफा पे, हाय मुझे क्यों प्यार आया, तेरी बेवफाई पे हंस जग सारा, गली गली गुजरे जिधर से, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ, और आज हम सुन रहे हैं संजीव कुमार जी के सुपर हिट फिल्मों के एवरग्रीन गाने। वैसे क्या आप जानते हैं, संजीव जी ने हिंदी फिल्मों के साथ साथ मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और सिंधी फिल्मों में भी काम किया है। संजीव जी खुद गुजराती परिवार से थे, और अब उनका असली नाम आपको बताती हूँ, उनका असली नाम हरिहर जेठालाल जरीवाला था। लोग उन्हें प्यार से हरी भाई भी बुलाया करते थे।
मतलब सोच के देखिए आप, शोले फिल्म का जो डायलॉग था, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, अगर उसमें उनका असली नाम यूज़ किया जाता तो ये हाथ मुझे दे दे हरि भाई, कैसा लगता वो। वैसे फिल्म के डायरेक्टर एसपी ईरानी जी जो स्टंट मूवीज़ बनाया करते थे, उन्होंने हरि भाई को संजीव कुमार का नाम दिया। संजीव जी ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी स्टंट फिल्मों के साथ। रोल चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो पूरे डेडिकेशन से अपने रोल्स निभाते थे। 1970 की फिल्म खिलौना के लिए उन्होंने मेंटल पेशेंट्स को एक असाइलम में जा कर के ऑब्जर्व किया था और कुछ समय के लिए उनके साथ में रहे भी थे, जिससे कि वो अपने रोल की तैयारी कर सकें। और उनकी ये शिद्दत ही थी जिसके कारण ईयर 1971 और 72 दोनों में ही उन्हें नेशनल अवार्ड्स मिले थे फिल्म दस्तक और कोशिश के लिए। ये वो टाइम था जब उनका स्ट्रगल रंग ला रहा था। सीता और गीता और अनहोनी जैसी फिल्मों से वो एक कमर्शियल स्टार बन चुके थे, लेकिन बॉलीवुड में उन्हें कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं मिली थी। इसके पहले भी हमारे गुजराती हरि भाई ने कई पापड़ बेले थे। फिल्मों से पहले ऐसा क्या करते थे वो जिससे उन्हें लगा कि वो फिल्मों में हीरो भी बन सकते हैं? क्या था उनका ओरिजिनल प्रोफेशन, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले सुनते हैं अगला गाना किशोर दा की आवाज़ में आंधी फिल्म से। पलटती है
इस राह अकेली थी, रुकती है ना चलती है, ये सोच के बैठी एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुंचती है, इस मोड़ से जाती इस मोड़ से जाते कुछ सुस्त कदम रखते कुछ तेज कदम रखते। Love this episode? Offline this video now and enjoy this show anytime, anywhere. के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुरे जाना के रात दिन जाड़ों की नरम धूप और आंगन में लेट कर जड़ों की नरम धूप और आंगन में लेट कर आंखों पे खींच कर तेरे आंचल के साए आंधे पड़े रहे कभी करवट लिए हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन या गर्मियों की रात जो पुरवाइयाँ चले या गर्मियों की रात जो पुरवाइयाँ चले ठंडी सफेद चादरों जागे देर तक तारों को देखते रहे छत पर पड़े हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। संजीव जी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत एज एन एक्टर ही की थी, लेकिन मूवीज से नहीं बल्कि थिएटर प्लेज में। उनकी फैमिली जब गुजरात से मुंबई शिफ्ट हुई तब उन्होंने इंडियन नेशनल थिएटर ज्वाइन किया, जहां पर उन्होंने गुजराती नाटक के कई डिफ़िकल्ट रोल्स किए।
उनमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट था जो कि वहाँ के दिग्गज और पुराने आर्टिस्ट्स ने पहचाना था। सभी लोग संजीव जी को बोला करते थे कि वो एक अलग लेवल के एक्टर हैं, लेकिन सिर्फ थिएटर करके, प्लेज करके अपने परिवार को चला पाना, फाइनेंशियली संभाल पाना आसान नहीं था। काफ़ी फैमिली का प्रेशर था उनके ऊपर, इसीलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें फिल्में ज्वाइन करनी चाहिए। थिएटर आर्टिस्ट्स ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की। सब कहते थे कि उनकी तरह का थिएटर आर्टिस्ट अब उन्हें दोबारा नहीं मिल पाएगा। लेकिन संजीव जी को भी अपने बारे में और अपने परिवार वालों के बारे में सोचना था, तो उन्होंने उस समय का इकलौता एक्टिंग स्कूल जो हुआ करता था, फिल्मालया एक्टिंग स्कूल, वो ज्वाइन किया। उसके बाद उन्हें छोटे मोटे रोल्स ही मिलते थे, चाहे वहाँ पर भी उनके एक्टिंग टैलेंट को काफ़ी सराहा गया था, लेकिन फिर भी उन्हें छोटे मोटे रोल्स ही मिलते थे। एस मुखर्जी जी का ही था ये एक्टिंग स्कूल, तो उन्होंने हम हिंदुस्तानी में जूनियर आर्टिस्ट का रोल दिया था इन्हें, लेकिन वो भी संजीव कुमार जी ने बखूबी निभाया था। एक शिकायत नहीं कि उन्होंने एक सवाल नहीं पूछा कि मुझे छोटा रोल क्यों दे रहे हो, और बस अच्छी तरह से काम किया तो उसी तरह से अच्छी तरह से आगे भी बढ़ते चले गए। गुलजार साहब की कई हिट फिल्मों में यादगार कलाकारी दिखाई है संजीव कुमार जी ने। कोशिश, परिचय, मौसम, आंधी, नमकीन, कॉमेडी फिल्में जैसे अंगूर, सभी की हैं संजीव कुमार जी ने। सुना है गुलजार साहब उस समय पर संजीव कुमार जी के बगैर किसी फिल्म को बनाने का सोच भी नहीं सकते थे। संजीव जी ने जो भी रोल किया वो महान अभिनेता मोतीलाल बलराज सहनी जी के काम से कंपेयर किया जाता था। इनफैक्ट वो द लिविंग लेजेंड दिलीप कुमार जी के लिए टफ कॉम्पिटिशन भी हुआ करते थे। लेकिन बस एक चीज़ थी जो कि उन्हें एक्टिंग से थोड़ा दूर रखती थी और जो उन्हें सबसे ज़्यादा मैटर भी करती थी। क्या थी वो चीज़, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं अगला गाना। ओ मन चली कहाँ चली, ओ मन चली कहाँ चली, देख 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 मुझसे न शर्मा, एक 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 मैं हूँ एक भौरा, ओ और तू कली। ओ मन चली कहाँ चली, ओ मन चली कहाँ चली, देख 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 मुझसे न शर्मा, एक 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 मैं हूँ एक भौरा, और तू कली। ओ मन चली कहाँ चली, ओ मन चली कहाँ चली। तेरा नाम आई है रंग भरी शाम, फूलों के छल के है जाम, औरों ने दिल लिए धाम, ऐसे में है हो, 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 हो। ऐसे में तोड़ के प्रेम की डोरी चकोरी, ओ गोरी तू कहाँ चली, ओ मन चली चली, ओ मन चली कहाँ चली। हम आहें भरेंगे, आ जा तो बातें करेंगे, चुप के मुलाकात करेंगे, ये सच है, 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 है।
मैं हूँ एक दीवाना, ये माना न जाना तू कहाँ चली हो मन चली कहाँ चली हो मन चली कहाँ चली। I hope you are enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show. Do like this video and share this episode with your friends and family. And don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel. Khilona, jaan kar tum to mera dil tod jaate ho. खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। ओ मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो। खिलौना दिल तोड़ जाते खुदा का वास्ता देकर मना लूं दूर हूं लेकिन तुम्हारा रास्ता मैं रोक लूं मजबूर हूं लेकिन कि मैं चल भी नहीं सकता हूं और तुम दौड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते अफसोस थोड़ा है कि जिस गम ने मेरा दामन बड़ी मुश्किल से छोड़ा है उसी गम से मेरा फिर आज रिश्ता जोड़ जाते हो। जमाने भर की बातों का ठहर जाओ सुनो मेहमान हूँ मैं चंद रातों का चले जाना अभी से किस लिए मुँह मोड़ जाते कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ और आज संजीव कुमार जी की जिंदगी को, उनके करियर को, किस्से कहानियों को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उन्हीं के कुछ बेहतरीन गानों के साथ। सभी गाने मेरे डिजिटल ऑडियो प्लेयर सारेगामा कारवा से हैं। आई होप आपको अच्छे लग रहे हो। वैसे संजीव जी के करियर को ग्रूम करने में सबसे बड़ा हाथ था जमुना दास जी का, जो कि एक गुजराती थे और उन्होंने इंडस्ट्री में कई साल बिताए थे। वो कोई और नहीं बल्कि संजीव जी के सेक्रेटरी थे
और बुढ़ापे तक वहीं रहे संजीव जी के साथ। जहां दूसरे एक्टर्स अपनी फिटनेस और अपने लुक्स को लेकर के ज़्यादा कंसर्न रहते थे, वहीं सभी लोग मानते थे कि संजीव जी के लिए उनकी आवाज़ और उनकी मुस्कुराहट ही काफ़ी होती थी और सभी लड़कियां पागल हो जाया करती थीं। वैसे उन्हें कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उन्हें एक बूढ़े आदमी का रोल जो है वो ज़्यादा प्ले करने को मिलता था। उन्होंने हमेशा अपने रोल पर ध्यान दिया, विच वॉज इनफ टू अट्रैक्ट वीमेन। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर उन्हें किसी चीज़ से फ़र्क पड़ता था तो वो था उनका अलोन टाइम, मी टाइम। उन्हें पैकअप की ना बड़ी जल्दी रहती थी, क्योंकि उन्हें पैकअप के बाद रोज़ पार्टी जाना बड़ा पसंद था। कई सारे दोस्तों को मिला करके घूमने फिरने जाया करते थे ये। 6 बजे के बाद उनका खाने पीने का टाइम शुरू हो जाता था। 6 बजे के बाद कोई उनसे काम नहीं करा सकता था, कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती थी। इनफैक्ट कई बार तो होटल्स में जाकर के खाने और पीने के बाद में भी वो रात के 2-2 बजे तक अलग अलग रेस्टोरेंट्स ढूंढते थे, ढाबों में जाते थे और वहाँ जाकर के सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड ऑफ ईटिंग ड्रिंकिंग दोनों चलता ही रहता था। लड़कियों में बहुत पॉपुलर होने के बावजूद भी उन्होंने कभी शादी नहीं की। एकाध एक्ट्रेसेस के साथ में उनके कुछ लिंकअप्स की खबरें ज़रूर आई थी, लेकिन कुछ भी ज़्यादा सीरियस हुआ ही नहीं। ना प्रेमिका थी, ना ही किसी कोस्टार के साथ में ज़्यादा चर्चाएं हुई, लेकिन फिर भी एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिनसे ये बहुत करीब थे। गर्लफ्रेंड जैसे नहीं, जस्ट जनरली। कौन थी ये एक्ट्रेस जिनसे ये अपने दिल के सारे हाल शेयर किया करते थे, बताऊंगी आपको। लेकिन उसके पहले अगला गाना सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो मेरे आने रुचि के साथ। चांद चुरा के लाया हूँ, चांद चुरा के लाया हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे। ओ ना कोई देखे ना पहचाने, बैठे पेड़ के नीचे, अरे चल बैठे चर्च के पीछे। तो आज की सोचो, जाग गए तो जागने दो ना। अच्छा हाँ, तो फिर चल बैठी चर्च के पीछे। ओ, 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 चांद चुरा के लाई हूँ, चांद चुरा के लाई हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे। पर कश्ती लेकर दूर कहीं बह जाए, चल दरिया पर कश्ती लेकर दूर कहीं बह जाए। ढूंढ ना पाए बस्ती वाले साहिल से कह जाए। बोल दिया तो बोलने दो ना। अच्छा हाँ, तो फिर चल बैठे चर्च के पीछे। अरे चांद चुरा के लाया हूँ, चांद चुरा के लाया हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे। ओ, ना कोई देखे ना पहचाने, बैठे पेड़ के नीचे, हो चल बैठे चर्च के पीछे। ओ, चांद चुरा के लाया हूँ, चांद चुरा के लाया हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे।
वीकेंड क्लासिक के न्यू एपिसोड्स हर थर्सडे रिलीज होते हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू सारेगामा म्यूजिक यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन द ऐप, ताकि हम हर हफ्ते कुछ नई कहानियों और गानों के साथ मिलते रहें। तेरी शादी पे दूं तुझको तोहफा मैं क्या पेश करता हूं, दिल एक टूटा हुआ खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी बेवफा ही सही, बेवफा ही सही दिल रुबा है मेरी खुश रहे। तुझको महफिल मिले ओ, जा मैं तन्हा रहूं तुझको महफिल मिले, डूबने दे मुझे तुझको साहिल मिले, आज मर्जी यही आज मर्जी यही, ना खुदा है मेरी खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी खुश रहे। दर्द दिल अब मेरे साथ ही जाएगा, मौत ही आखिरी, मौत ही आखिरी बस दवा है मेरी, मौत ही आखिरी बस दवा है मेरी खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी खुश रहे। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूँ रुचि आपके साथ। आज संजीव कुमार जी की ज़िंदगी के बारे में आपको कुछ कहानियाँ सुना रही हूँ, साथ ही उन्हीं के सुपरहिट फिल्मों के सुपरहिट गाने भी आपके लिए लेकर के आई हूँ। वैसे संजीव कुमार जी के ज़्यादा करीबी दोस्त नहीं थे, लेकिन वो एक शख्स, वो एक एक्ट्रेस जिससे संजीव कुमार जी बहुत क्लोज थे, वो थी अंजू महेंद्र जी। वो ना इनकी दोस्त से बढ़कर थी और गर्लफ्रेंड से कम थी। अब सोच लीजिए, कुछ एक अजब गजब ही रिलेशनशिप था इन दोनों के बीच में। इनफैक्ट अंजू जी मदन मोहन जी की भांजी लगती थी, तो वो संजीव कुमार जी को उनके स्ट्रगल के दिनों से जानती थी, तो वो पहले से ही दोस्त हुआ करते थे। एक बार ऐसा हुआ था कि संजीव जी और अंजू जी ये दोनों ही एक शादी में गए हुए थे, और वहाँ पर तब तक मतलब संजीव कुमार जी की एक आधी फिल्म आई थी, और वहाँ पर ये जब स्टेज पर गए तो एक टेबल से किसी ने चिल्ला के बोला कि अरे वो तो एक हीरो है ना, मतलब लोग पहचानते भी थे और नहीं भी पहचानते थे संजीव जी को, ज़्यादा फेम मिला नहीं था। अंजू जी ने सोचा कि यही समय है मेरे दोस्त को फेमस करने का, तो
अंजू जी ने तुरंत एक हैंड टॉवल उठाया जो टेबल पे रखा हुआ था और उसे उठा करके संजीव कुमार जी के सामने ले जा करके बोला कि आप तो बहुत बड़े एक्टर हैं, एक ऑटोग्राफ देंगे क्या? संजीव कुमार जी भी समझ गए कि ये नाटक कर रही हैं, तो उन्होंने भी अपना पेन निकाला और ऐसे ऑटोग्राफ देना शुरू किया जैसे कि अंजू जी एक फ़ैन हो। और ये देख करके कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने रियलाइज़ किया कि ये तो कोई बहुत बड़ा स्टार है और सभी लोग संजीव जी को घेर करके खड़े हो गए थे ऑटोग्राफ्स के लिए। उस एक समय के लिए जिस समय अंजू जी ने संजीव जी को ये फेम दिलवाया फॉर द फर्स्ट टाइम, उस एक समय के लिए संजीव जी हमेशा अंजू जी का शुक्रिया अदा किया करते थे। चलिए इसी बात पर सुनते हैं अगला गाना, राजा और रंग फिल्म से रफी साहब की आवाज़ में वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मेरे यानी रुचि के साथ। फिरकी वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना, तू अपनी जुबान से के तेरे नैना है जरा बेईमान से। मत वाली ये दिल क्यों तोड़ा, ये तीर काहे छोड़ा नजर की कमान से, के मर जाऊंगा मैं बस मुस्कान से। ये कहा था पहले भी तूने एक रोज ये कहा था, आऊंगी तू ना आई, वादा किया था सैया बन के बदरिया, छाऊंगी तू ना छाई, घर से कैसे बीती वो रात सुहानी, तू सुन ले कहानी ये सारे जहान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। फिर की वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना, तू अपनी जुबान से, कि तेरे नैना है जरा के। सोचा था मैंने किसी रोज गोरी हंस के, बोलेगी तू ना बोली, मेरी मोहब्बत भरी बातें सुन सुन के, डोलेगी तू ना डोली, ओ सपनों में आने वाली रुक जा जाने वाली, किया तूने मेरा दिल चोरी, ये पूछ ले गोरी जमी आसमान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। फिर की वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना, तू अपनी जुबान से, कि तेरे नैना है जरा से। इस वीकेंड क्लासिक रेडियो शो को आप एज पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं ऑन एंड्रॉइड एंड एप्पल प्लेटफॉर्म्स। छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी, छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी,
पैरों की बेड़ी कभी लगे हथकड़ी, छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी, छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी। सीधे सीधे रातों को थोड़ा सा मोड़ दे दो, सीधे सीधे रातों को थोड़ा सा मोड़ दे दो, बेजोड़ रूहों को हल्का सा जोड़ दे दो, जोड़ दो न टूट जाए सांसों की लड़ी, जोड़ दो न टूट जाए सांसों की लड़ी। छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी, छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी। Enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show. Do like this video and share this episode with your friends and family. And don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel. चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ. मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही किस्से कहानियाँ और आपके पसंदीदा गानों के साथ.